ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आई एम सुजल ठक्कर फ्रॉम ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजन एंड माय टुडेज टॉपिक इज इंजन कूलिंग सिस्टम। एंड फॉर टुडेज लेक्चर माय कंटेंट इज नीड फॉर कूलिंग सिस्टम, सिग्निफिकेंस ऑफ कूलिंग सिस्टम, इफेक्ट ऑफ इंजन रनिंग टू हॉट, इफेक्ट ऑफ इंजन रनिंग टू कोल्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ इफिशियंट कूलिंग सिस्टम, टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम एंड एयर कूलिंग सिस्टम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी रिक्वायर्ड कूलिंग सिस्टम। तो जनरली क्या होता है कि हमारे इंजन के अंदर हमारा जो फ्यूल है उसको हम लोग बर्न करते हैं, और हम उसको जब बर्न करते हैं तो उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर वो थर्मल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और जिसके कारण हमारे इंजन के जो कंपोनेंट है लाइक वाल्व, सिलेंडर वॉल, पिस्टन और सिलेंडर हेड, वो सब जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते, गर्म हो जाते। तो कूलिंग सिस्टम क्या करती है कि जितने भी ये गर्म पार्ट है उसके उसके अंदर से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके कारण क्या होगा कि हमारा इंजन जो है वो ठंडा रहेगा। तो उसके उसके दौरान या उस कारण क्या होता है कि हमको जो पावर आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे क्या है कि हमारी कूलिंग सिस्टम बंद रहेगी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम इज़ टू मेंटेन ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन। नाउ हम अब क्या होगा कि अगर हमारी कूलिंग सिस्टम ठीक से वर्क कर रही है तो हमको इफ़िशेंसी ज़्यादा मिलेगी। अब हम बात करें कि जो टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें से लगभग लगभग 35% एनर्जी जो है वो कूलिंग सिस्टम एब्जॉर्ब कर देती है, या फिर कूलिंग सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट है कि कूलिंग सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी 35% एनर्जी खुद एब्जॉर्ब कर ले। अब हम सपोज माने कि 100% एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें से 35% एनर्जी जो है वो कूलिंग सिस्टम एब्जॉर्ब करती है, बाकी की 35% हीट एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट गैस में लॉस हो जाती है या फिर वेस्ट हो जाती है, उसे हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। बाकी की 5% एनर्जी जो है वो इंजन फ्रिक्शन या फिर पिस्टन के फ्रिक्शन में लॉस हो जाती है। 10% एनर्जी जो है वो अपने क्लच से लेके व्हील तक, यानी अब हमारी जो पावर ट्रेन है, पावर ट्रेन का कंपोनेंट कौन कौन से, तो क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सल एंड व्हील, वहाँ पे लगभग 5% एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसमें से वेस्ट होती है, एंड रिमेनिंग 15% एनर्जी इज यूज टू प्रोपेल द व्हीकल। मतलब 85% एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग वो वेस्ट हो जाती है, एंड ओनली 15% एनर्जी इज यूज फॉर यूजफुल वर्क। नाउ इफेक्ट ऑफ इंजन रनिंग टू हॉट। अगर हमारा इंजन ज़्यादा गर्म है और ज़्यादा गर्म होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं जैसे प्री इग्निशन, डिटोनेशन, नॉक। अब ये क्या है, नॉक बढ़ जाता है और उसके कारण हमारा जो इंजन है वो डैमेज हो सकता है, और हीट अगर हमारा इंजन ज़्यादा हॉट है तो उससे क्या होगा कि हमारा पिस्टन प्लस वाल जो है वो भी बंट होने के चांसेस है, हमारी लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो भी फेल हो सकती है, और पिस्टन और सिलेंडर की जो स्लीव है वो भी स्कोर या फिर वेयर हो सकती है, और क्या होगा कि हमारे जो भी कंपोनेंट है वो या तो फ्रैक्चर होने के भी चांसेस है। अब बात हो गई हॉट की बात हो गई, अब बात करते हैं कि सपोज हमारा इंजन बहुत ठंडा रन कर रहा है, कोल्ड रन कर रहा है, तो क्या होगा, तो उसके कारण हमारा जो इंजन है वो अगर ठंडा रन होता है तो अननेसेसरी वियर प्रोड्यूस होंगे, फ्यूल इकोनॉमी हमको प्रॉपर नहीं मिलेगी। फ्यूल इकोनॉमी हमको प्रॉपर क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा और हमारे कूलन का टेम्परेचर जो है वो भी कम रहेगा, और क्या है कि हमारा इंजन ठंडा है तो उसके जो भी कंपोनेंट है वो भी कोल्ड या फिर ठंडे रहेंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि सिलेंडर में ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी और हम यूजफुल वर्क में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर क्या होगा कि जो एनर्जी वेस्ट होती है वो हमको कोई पावर में अवेलेबल नहीं रहती है, और उसके कारण करोजन भी हो सकते हैं, उसके कारण एसिड भी फॉर्म होते हैं, और एसिड जो फॉर्म होते हैं वो हमारे
इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो जाएंगे और हमारे इंजन ऑयल जो है उसको डाइल्यूट कर देंगे, जिसके कारण हमारा इंजन ऑयल या फिर लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। फिर क्या है कि हम लोग जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो वॉलाटाइल नेचर का होता है। वॉलाटिलिटी मतलब क्या, कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो हमको जो वॉलाटिलिटी या फिर जो गैसियस फॉर्म में फ्यूल मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, या फिर प्रॉपर क्वांटिटी तो जनरली कूलिंग सिस्टम का काम क्या है कि भाई इंजन को बहुत ठंडा भी नहीं होने देगी, इंजन को बहुत गर्म भी नहीं होने देगी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कूलिंग सिस्टम इज़ यूज टू ऑपरेट ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग जो कूलेंट यूज़ करते हैं उसका 75 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तभी जाके हमारी कूलिंग सिस्टम जो है वो वर्क करती है, उसके अलावा कूलिंग सिस्टम वर्क नहीं करती। वो कैसे वर्क करती है वो हम लोग जब लिक्विड कूलिंग सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एन इफिशियंट कूलिंग सिस्टम। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पर मैं यहाँ पर फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें से हमारी कूलिंग सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट 30% ऑफ एनर्जी जो होती है उसे एब्सॉर्ब कर ले, जिससे हमारा इंजन का जो टेम्परेचर है या फिर ऑपरेटिंग कंडीशन है वो ऑप्टिमम लेवल पे रहेगी और हमको पावर आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। और इट शुड रिमूव हीट एट अ फास्टर रेट व्हेन इंजन इज हॉट। जब हमारा इंजन गर्म है या फिर ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट हो रहा है तो हमारी कूलिंग सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि मैक्सिमम एनर्जी रिमूव करे। और जब हम स्टार्ट करते हैं, जब इंजन का आरपीएम बहुत कम रहता है तो उस टाइम पे हमारी कूलिंग सिस्टम ऐसी होनी चाहिए को जो जो हीट एब्जॉर्ब करती है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, तो इट शुड मेंटेन द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम और उसे हम लोग डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। उसके एग्जाम्पल है एविएशन इंजन, मोटरसाइकिल इंजन, स्कूटर इंजन, वो जो है वो एयर कूल्ड इंजन का एग्जाम्पल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ अ डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। इन केस सेकेंड टाइप इज लिक्विड कूलिंग सिस्टम, और लिक्विड कूलिंग सिस्टम का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। इसे हम लोग इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इंजन के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस हुई वो सबसे पहले अपने लिक्विड या फिर अपने वाटर या फिर कूलेंट में ट्रांसफर होगी और उसके बाद वो एटमोसफियर में ट्रांसफर होती है। तो इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम कहते हैं। बेसिकली इट इज़ यूज इन स्टेशनरी एंड ऑटोमोबाइल इंजिन। अब लिक्विड कूलिंग सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज़ वाटर कूल सिस्टम एंड सेकेंड इज ऑयल कूल सिस्टम। इन वाटर कूल सिस्टम वी आर यूजिंग वाटर एज अ कूलेंट एंड इन केस ऑफ ऑयल कूल सिस्टम वी आर यूजिंग ऑयल एज अ कूलेंट। नाउ नेक्स्ट इज एयर कूलिंग सिस्टम। अब एयर कूलिंग सिस्टम क्या है, तो एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होगा जनरली कि यहाँ पे कोई कूलेंट या फिर कोई लिक्विड या फिर लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जैसे कंपोनेंट यूज होता है वाटर पंप या फिर अपना रेडिएटर, ऐसा कुछ नहीं होता। बट सिलेंडर के आजू बाजू हम लोग फिन्स प्रोवाइड करते हैं। फिन्स क्या है, तो फिन्स यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वो एरिया बढ़ाने के लिए हम लोग थोड़ा मेटल एक प्रॉपर मैनर में उसको डिजाइन करके रखते हैं। और फिन्स रखने से क्या होगा कि हमारे जो भी इंजन है उसके साथ में जो एयर कांटेक्ट में आ रही है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी जो हीट ट्रांसफर हो रही है या फिर हमारी जो कूलिंग सिस्टम वर्क कर रही है वो प्रॉपरली वर्क करेगी या फिर ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगी। अब जो हीट ट्रांसफर होती है वो बेसिकली तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस किसका होगा, एरिया। और हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, फिन्स प्रोवाइड करते हैं। जितना हीट ट्रांसफर एरिया ज्यादा उतनी एयर ज्यादा कांटेक्ट में आएगी, और ज्यादा एयर कांटेक्ट में आएगी तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। एंड थर्ड वन इज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मतलब कि हम कितना हीट ट्रांसफर कर सकते हैं विद जो भी मेटल हम लोग यूज करते हैं उससे।
तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर होगी। और हम जब बात करें एयर कूल्ड सिस्टम और वाटर कूल्ड सिस्टम, तो हमारी जो एयर कूल्ड सिस्टम है उसका टेम्परेचर कंपेयर टू वाटर कूल्ड सिस्टम लगभग लगभग डबल रहता है। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। अब क्या है कि हम मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि इन केस ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम देर इज़ नो रेडिएटर, देर इज़ नो पंप, तो हमारी जो कूलिंग सिस्टम है वो एकदम लाइट है। सेकंड है, यहाँ पे कोई भी कूलेंट नहीं है तो कोई लीकेज के चांसेस नहीं है। थर्ड क्या है कि यहाँ पे हम लोग कूलेंट या फिर एंटी फ्रीज सोल्यूशन कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे फ्रीजिंग का ऐसा कोई चांस नहीं है। और हम इसे कोल्ड क्लाइमेट में इजीली यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अगर हम लोग वाटर यूज़ करते तो उसके फ्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या है कि हम जब उसको वाटर कूल सिस्टम से कंपेयर करें या फिर लिक्विड कूल सिस्टम से कंपेयर करें तो ये लेस इफिशियंट है। और सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि हम उसे यहाँ वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा इंजन जो है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है। मतलब हम लोग एरोप्लेन या फिर मोटरसाइकिल ऐसे कुछ ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में लिक्विड कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।